इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। जींद में एडीजीपी एसआर रेंज टीम की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी खबर। कार्रवाई बड़ी यहां पर की गई है, ऊर्जा ग्राउंड से तस्पा सेंटर पर रेड की गई है तो दो महिलाओं समेत तीन युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर जींद से, इस्पात सेंटर की आड़ में गोरख धंधा यहां पर चलाया जा रहा था। जींद में एडीजीपी हिसार रेंज की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, हुडा ग्राउंड स्थित स्पा सेंटर पर रेड की गई है। बड़ी खबर, दो महिलाओं समेत तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर गोरख धंधा चल रहा था जिसका पर्दाफाश हुआ है। जींद में एडीजीपी हिसार रेंज टीम ने बड़ी कार्रवाई, हुडा ग्राउंड स्थित स्पा सेंटर पर रेड की गई है। बड़ी खबर, ये दो महिलाओं और तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। परमजीत पवार संवाददाता जींद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। बिल्कुल अंजलि, देखिए जो एडीजीपी है श्रीकांत यादव, उनके नेतृत्व में जो है टीम का गठन किया गया और बार बार जो है लोगों की शिकायत आ रही थी कि जींद से जो है लगातार जो सपा सेंटर की आड़ में दे व्यापार का धंधा कर रहे थे। और देखिए पुलिस ने जब रेड की तो करीबन दो महिलाएं और तीन युवकों को, यानी कि पांच लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। और देखिए मैं आपको बताऊं तो लगातार पिछले काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी और वहीं जो है पहले भी जो है पुलिस ने रेड की थी और वहां से भी जो है युवतियां और युवकों को काबू किया गया था। लेकिन ये जो पूरा मामला जींद का है और हुड्डा सेक्टर में जो है ये पूरा जो सपा सेंटर खोला हुआ था तो वहां पे जो है ये सपा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करते थे और पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद जो है करीबन चार लोगों पर FIR दर्ज की गई है और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कब से यहाँ पर ये स्पा सेंटर चल रहा था और प्रशासन को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? क्या ये ऑथराइज्ड यहाँ पर इन्हें जगह मिली हुई थी और क्या इस तरीके के यहाँ पर और भी स्पा सेंटर संचालित किए जा रहे हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए लगातार जो ADGP है श्रीकांत यादव वो लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं, चाहे होटलों की बात करें या फिर जो जैसे जो अपना सपा सेंटर खोल के जो है उसकी आड़ में देह व्यापार करते हैं, ना तो उनके पास कोई लाइसेंस होता है। जब से इन्होंने इस आड़ में ज्वाइन किया है उसके बाद जींद में जो है सभी कोई भी जो है होटल मालिक है वो जो है किसी भी जो है कोई भी जो यहाँ के युवक है या फिर युवतियाँ वो बैठते थे उनको भी मना कर देते हैं होटलों में, उनको बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। और जो लोग शराब पीते थे वहां बैठकर उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि किसी के पास कोई जो है ऑथराइज नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो लगातार पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और देखिए फिलहाल की बात करें जो सपा सेंटर पर रेड की गई तो करीबन जो है इसमें पांच जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया, दो महिलाएं शामिल है और तीन युवक शामिल है। फिलहाल चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आज वो कोर्ट में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत पवार इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्पा सेंटर के आड़ में ये गोरख धंधा यहाँ पर चल रहा था जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है।